हेलो माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रचना, यू आर वाचिंग दैट मैम रचना। सो गाइस, इफ यू टू माय चैनल डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियोस यू कैन नोटिफाइड एंड यू कैन वॉच माय वीडियोस। सो गाइस, लेट्स क्विकली स्ट्रेट डाइव इनटू द वीडियो। गाइस, यू नो माय लव फॉर स्किन केयर, राइट? तो मुझे ना ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है जो एक्चुअली मल्टीपल तरीके से काम करते हो, और एक ऐसा कोई चीज होनी चाहिए जो स्किन में जल्दी अब्सॉर्ब हो, लाइट वेट और अपना काम जल्दी शुरू करे, क्योंकि ना तो मेरे पास उतना ज्यादा टाइम होता है ना ही आपके पास होगा आई एम श्योर। सो क्यों ना हम कोई ऐसी चीज यूज करें जो हम डेली भी यूज कर सकते हैं, दिन में दो बार आराम से यूज कर सकते हैं, यूज करने में कोई भी ज्यादा ना झंझट नहीं है। और मैं कुछ ऐसा भी नहीं बताने वाली जो आपकी स्किन को ना ऐसा चिपचिपा कर देगा, जो आप इस वेदर में उस वेदर में नहीं लगा सको, आप हर वेदर में उसको लगा सकते हो। सो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस ये 7 डेज नेचुरल का 2% कोजिक एसिड सीरम। से पहले मैं ये 7 डेज के बारे में आपको बता दूं, अगर आप मेरे ओजी सब्सक्राइबर हो ना, आपको पता होगा कि मेरे पास इनके बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बहुत यूज भी की हैं एंड मेरी स्किन पे उनके बड़े अच्छे रिजल्ट हुए। और आज की डेट तक भी ना मेरे पास कमेंट्स आते हैं 7 डेज से कि वो वाला लेना है, ये वाला लेना है, ये ले लूं क्या, वो ले लूं क्या, दोबारा परचेस करना है, रीपर्चेस हो रहा है ये ब्रांड का आइटम। और सारे के सारे प्रोडक्ट्स ना एक से बढ़कर एक है जो कि एक्चुअली ना रिजल्ट लेकर आते हैं। और अब तो ना ये सारे प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, इम्प्रूव्ड है, क्वालिटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। सो आई एम श्योर अब तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वेबसाइट पूरी अपडेट हो गई है, अब तो ऐसा लगता है कि बस मैं क्विकली ना शॉप करती रहूं। ये न्यू पैकेजिंग है गाइस, क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर दी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी अब आई है। और मैं इन प्रोडक्ट्स को भी ना यूज कर रही हूँ काफी टाइम से, मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स अब मिलने लगे हैं। सो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करूंगी। कुछ एकदम आपको सब प्रीमियम सा लगता है बट बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस पे है, आपको जो शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। सो अब ये है गाइस 2% कोजिक एसिड। तो कोजिक एसिड हमें पता है हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। देखो आप कुछ भी कर लो, आपकी स्किन पे, जैसे सबकी स्किन पे ना दाग धब्बे स्पॉट्स पिगमेंटेशन ये तो रहता ही रहता है। अब कोई स्किन मुझे ऐसी बता दो जिसपे ये सब ना हो, या फिर पूरी पूरी इवन टोन स्किन हो, नहीं हो सकती है। अब कमियां तो रहती हैं, फ्लॉज रहते ही रहते हैं। सो आप उन फ्लॉज को ना कम कर सकते हो इस कोजिक एसिड सीरम से। ये आपके डार्क स्पॉट्स को, ब्लेमिशेस को ना कम कर देता है, हर एक स्किन टोन पे ये अच्छे खासा काम करता है। आपकी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है, या फिर एक्ने प्रोन स्किन है आपकी, या फिर यू नो आपको बहुत ज्यादा ना ऐसा पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन है, सबके ऊपर वंडर्स करता है। आपको पता ही होगा कि आपको सीरम लगाना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश करना है, कोसिक एसिड का सीरम लगाना है, बस उसके बाद क्या मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ एंड यू आर डन। जब भी हम कुछ ऐसी चीजें लेते हैं ना लाइक टोनर हो, सीरम हो, तो एक बार उनको शेक कर लेना चाहिए। सो गाइस, ये आप देख रहे हो एकदम ना मिल्की सा इसका कलर है एंड टेक्सचर अगर मैं आपको दिखाऊं ना, टेक्सचर मतलब इसकी कंसिस्टेंसी तो एकदम थोड़ी सी थिक है। आप ये देखो इस टाइप का है, व्हाइट है। मैंने लगाया यहाँ पे और एकदम एब्जॉर्ब हो गया, पूरा वॉटर बेस्ड ही है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन को ना ऐसा ऑयली स्टिकी सा बना देगा। आप इस वेदर में लगाना पाओ, आराम से आप इसको इस वेदर में लगा सकते हो एंड ये देखो गायब हो गया है। और इतना ज्यादा अच्छा है ना हमारी स्किन के लिए कि आप इसको दिन में दो बार लगाओ, और जो इसके परसेंट है ना 2% वो मोर देन सफिशियंट है हमारी इंडियन स्किन के लिए। इसके अंदर मिल जाता है लेमन हाइड्रोसोल दैट रिफ्रेशेस क्लेरिफाइज एंड बैलेंसेस स्किन पीएच फॉर अ रिवाइटलाइज्ड कॉम्प्लेक्शन। ग्लिसरीन इसके अंदर दैट हाइड्रेट्स मॉइस्चराइज एंड लॉक्स इन मॉइस्चर स्किन टेक्सचर। कोजिक एसिड जो मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, वो क्या करता है दैट ब्राइटन्स एंड इवन टोन्स द स्किन एंड रिड्यूसेस हाइपर पिगमेंटेशन एंड प्रमोट्स स्किन रेडियंस। एलोवेरा भी है इसके अंदर दैट सूज एंड काम द इरिटेशन एंड प्रोवाइड जेंटल हाइड्रेशन फॉर सेंसिटिव स्किन। तो बता दूं ना गाइस, तो कोजिक एसिड हमारी स्किन को ब्राइट करता है, लेमन हाइड्रोसोल हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करके रखता है, और ये क्या करता है ना स्किन की ब्राइटनिंग को टारगेट करता है, और जितने भी आपके दाग धब्बे निशान होते हैं सबको हटा देता है। और एडिशनली ना इसके अंदर जो सोडियम लैक्टेट है वो हमारी जो इम्प्योरिटीज होती है स्किन की उनको इफेक्टिवली ना सब कुछ क्लीन कर देता है। गाइस अगर आप ये यूज करते हो ना 7 डेज नेचुरल्स का 2% कोजिक एसिड सीरम, सो विद इन 7 डेज, बट हाँ आपको यूज करना है कंटिन्यूअसली रेगुलरली दिन में दो बार। सो अगर आप इसको यूज करते हो ना फुल 7 डेज, सो 90% आप देखोगे अपनी स्किन में इम्प्रूवमेंट होगा, 85% आपकी स्किन स्मूथ बनेगी और 78% ना आपके स्किन में कोलेजन बूस्ट होगा। सो सोचो इतने अच्छे मल्टीपल बेनिफिट्स आपको 7 दिन में मिल रहे हैं। ये नहीं कह रही महीना दो महीना चार महीने यूज करो रिजल्ट मिलेगा, 7 दिन की बात है गाइस, 7 दिन तो आप यूज कर ही सकते हो। किसी भी टाइप का कोई केमिकल्स नहीं है, पैराबेंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो स्किन को नुकसान पहुंचाता है। एडिशनली ना ये मेड से सर्टिफाइड है, फ्री है, वीगन प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री है। सो गाइस क्विकली ना इसको चेक कर लो,
इसको जो लिंक है ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपकी फैसिलिटी के लिए दे ही दिए हैं। सो गाइस फटाफट से डू चेक इट नाउ। सो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक लेटा दबा बैठे करें। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।